is suicide. What's wrong with that? So, hello guys, good morning, welcome back to my new vlog. और आज सुबह था मेरा दो क्लास और वो क्लास खत्म हो चुका है और अभी मैं रेडियो का निकल रहा हूँ और टाइम हो रहा है 7. तो सुबह से लेकर कहाँ गायब था, सुबह थोड़ा क्लास व्लास था और लेट बहुत उठा था क्लास के, उसके बाद खाना पीना खाया, सो गया था, फुल टुल सो गया था, व्लॉग बनाने का भूल ही चुका था. सो अभी 7 बजने वाला है जैसे कि बताया, तो व्लॉग यहीं से शुरू होता है. सुबह से लेकर पूरे दिन रूम में बैठे रहने के बाद अभी टाइम 9 बज रहा है. सो अभी बाहर निकला हूँ और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा लाइक स्नोफॉल और हर जगह पे वाइट हो चुका है. मैं चलो बस से उतर के फिर आपको दिखाता हूँ. सो हम लोग जा रहे थे सेंटर और यहाँ पे इतना ज़्यादा जैम लगा हुआ है कि हम लोग अभी एतवे भी नहीं पहुँचे, जबकि एतवे और मतलब बस से जाते तो 5 मिनट लगता है. हम लोग 15-20 मिनट हो गए बस में बैठे हुए मगर अभी तक जैम नहीं खुला. सो ऑलमोस्ट 40 मिनट लग गया मेरे को हॉस्टल से सेंटर आने में और इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था. इधर आके बिल्कुल कोई रास्ते में कुछ भी गाड़ी इतना नहीं है, उधर पता नहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा क्योंकि दिखाई भी नहीं दे रहा था शीशे के बाहर, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था और अभी स्नोफॉल भी कम हो गया है. तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, 40 मिनट लगा ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचने में. अब चलते हैं सेंटर में, कुछ खाने का दुकान खुला रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अपना तो जगह है यार मकावा. अब जाके फिर मिलता हूँ. किस अमाउंट में स्नोफॉल हुआ है पूरा गाड़ी को देख के आप पूरा समझ सकते हो कि थोड़ी देर पहले इतना तेज स्नोफॉल हुआ है, एकदम स्टॉर्म आया था ऐसा लग रहा था और अभी कुछ भी नहीं है. जैसे कि ये वाला गाड़ी, इसने साफ किया होगा चलाने में, उसके बाद से देखो इस पर कुछ भी नहीं है मगर उस वाली गाड़ी को देख लो पूरा भरा हुआ है. ये है रियल स्नो स्टॉर्म, देखो ये फिर से शुरू हुआ है और इस लाइट में आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना तेज़ी स्नो उड़ रहा है. सो लिटरली यहाँ पे स्नो स्टॉर्म चल रहा है जो कि आपके सामने दिखा रहा हूँ. देखो लाइट के ऊपर और भी ज़्यादा दिख रहा है और एकदम से दूर से देखो तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है. इसमें कैमरे में इतना जस्टिस नहीं हो रहा है मगर सच में ये स्टॉर्म चल रहा है. सो आपके सामने पेश है ये बॉटल से बना हुआ है और क्या मस्त लग रहा है, क्या ही मस्त. आपको समझ में आ रहा है ये पूरा बॉटल है. मेरा यूनिवर्सिटी और देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है और इतना ज़्यादा फॉल हो रहा है हर जगह पे सफेद ही सफेद हो रखा है. मैंने कैमरा भी दे दिया है, मेरे कैमरामैन बहुत अच्छे से कैमरा मतलब शूट कर रही है. तो अभी आपके सामने जाकर चल के दिखाता हूँ कि हमारा यूनिवर्सिटी का क्या हाल हो रखा है. सो ये है मेरा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का हालत देख सकते हो, पूरा अभी स्नो भर रखा है और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कार्टून्स बना रखे हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है. और देख सकते हो सामने कितने मस्त ये प्यारी लग रहे हैं और इधर भी बना रखा है साथ में, यहाँ पे भी है और यहाँ पे सिर्फ यहाँ मेरे यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूँ हर जगह पे होते हैं. सो यहाँ पे भी बना रखा है सामने और इसके यहाँ पे दो अगर दोस्त आ रहे हो तो आप लोग यहाँ पे फेस रख के भी आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हो जो कि एक कार्टून का एक हिस्सा है और ये कार्टून का नाम मैं भूल गया हूँ, अगर किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट में बताना. ये बहुत एक फेमस कार्टून था, मैं अभी इसका नाम याद नहीं है. और ये देखो स्नोमैन के भी बना रखा है, इसमें अपना फेस डाल के अपने कर सकते हो. ये लोग क्रिसमस के लिए बहुत ज़्यादा सजाते हैं. देखो ये यहाँ पे भी छोटे छोटे बर्ड्स जैसे बना रखे हैं जो कि आपको मैं थोड़ा सा पास जाके दिखाता हूँ. देखो दिख रहा है ना बर्ड्स जैसे, और इस पर बहुत लोगों ने अपना अपना नाम लिख रखा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ. यहाँ पे भी किसी का नाम लिखा हुआ है, इस वाले पे भी किसी का नाम लिखा है. तो दिखने में कुछ ऐसे लग रही है और पीछे है यूनिवर्सिटी अपनी. सो ये है अपनी यूनिवर्सिटी और ये है एक फ़ोटो फ्रेम टाइप का. सो यहाँ पे भी आके मैं एक फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ. सो हेलो गाइस, कैसे लग रहा हूँ मैं ज़रूर बताना, मैंने इंस्टाग्राम पे एक तो देखो स्टोरी डाला है. एग्जैक्ट अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है और अभी तक मैं सेंटर के पास ही हूँ, पैनोरामा प्लाजा के पास, और बहुत तेज़ हवा चल रही है
जो कि ये देखो पेड़ का हवास है और इसमें स्किन में थोड़ा सा आवाज़ तो आ ही रहा होगा हवा का, और स्टॉर्म चल रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा स्टॉर्म चल रहा है। सो अब जल्दी से मैं रूम जाता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो मैं रूम जा ही रहा था तो सोचा कि रास्ते से दूध ले लेता हूँ, कि कल देखा कि चाय नहीं पिया पूरे दिन, आज सुबह से लेकर भी चाय नहीं पिया। सो अभी मेरे को दूध लेना है, दूध वाले सेक्शन में जाऊँगा, मगर उससे पहले कुछ ढूंढ रहा हूँ कि लाइक स्नैक्स टाइप का जो हमेशा खा पाऊँ। सो मेरे को कुछ वैसे दिखा नहीं, मैंने वैसे तो ये ले लिया है और आगे चल के मैं जो लेता हूँ आपको दिखाता हूँ। दूध का सेक्शन है, दूध का बहुत सारा वैरायटी आता है, तो मैं चूज़ करता हूँ हमेशा सस्ते वाला। सस्ते वाला में थोड़ा सा कम, लाइक कुछ भी हो जाए, जो 20 का है तो 20 का है 1.5 वाला, ठीक है। और अगर मैं 21 का लेता हूँ तो ये है 21.6 वाला, तो इसमें थोड़ा सा ना 21.6 वाले में थोड़ा सा फैट लेयर ज़्यादा होता है, तो दो टाइम का दूध आराम से बन जाता है, तो मैंने दो ले लिया है अपन। और आगे देखते हैं क्या लेते हैं। और एक ब्रेड का पैकेट रख लिया है मैंने, ये वाला ब्रेड मेरे को बहुत सही लगता है, 12 ग्रेविन वाला। और सबसे पहले क्रोसन बहुत लेता था, अभी तो क्रोसन लेना मैंने बंद कर दिया। सो मैंने ले लिया है तो वैसे जो भी सामान लेना था, और अभी चलते हैं रूम, और रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर बनाएंगे चाय। दूध भी ले लिए और सुबह से भी चाय नहीं पी थी, तो अभी चाय पियेंगे रात को। हो चुका है 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे मेरा चाय आ चुका है। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है जो देख सकते हो, और ऊपर से कितना मस्त लाइटिंग लगाया है अभिलाष ने, और पूरा रूम चमक रहा है आज उसी लाइट के वजह से, पूरा रूम देखो चमक रहा है। और साथ में अभी 1:30 बजे हमारी चल रही है चाय, और इधर आईपैड पे चल रही है कैंडी क्रश। 1:30 बजे हमारी पावड़ी चल रही है, यहाँ पे 5 लोग है, 5 लोगों के मिलके पावड़ी चल रही है। सो मैं अपना चाय एंजॉय करता हूँ, और रात को बहुत रात हो चुका है, तो ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। और आपको कैसे लगा जरूर कमेंट में बताना, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, साइन ऑफ, जय हिंद।